यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सबसे बड़े दो दुश्मन शांति वार्ता के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं और एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति है तो दूसरा एक छोटे से मुल्क का तानाशाह है। अब दोनों सिंगापुर के सेंटोसा टापू के 5-स्टार कपेला होटल में 12 जून को मुलाकात करेंगे। इसके चलते इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। सिर्फ सुरक्षा के लिए 50 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जा रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। विश्व के कोने कोने से 3000 पत्रकार सिंगापुर पहुंच चुके हैं। ये मुलाकात इसलिए काफी अहम है क्योंकि इससे ही तय होगा कि दुनिया में शांति की राह किस तरह से आगे बढ़ेगी या परमाणु युद्ध की आग में झुलसेगी। इस मुलाकात को मौजूदा वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 12 जून इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा क्योंकि ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया और अमेरिका के सर्वोच्च नेता आमने सामने आकर के बातचीत करने जा रहे हैं।